चलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको ये बताएं कि विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा। और आपको बताएं इस बीच ये बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। आज 13 विधेयक ध्वनि मत से किए गए हैं पारित। तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है अनिश्चितकाल के लिए। आज 13 विधेयक ध्वनि मत से किए गए पारित। तो ये महत्वपूर्ण खबर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली और सबसे बड़ी बात ये कि बहुमत जो है वो साबित करना सबसे महत्वपूर्ण था, जो पहले ही दिन हो गया और सरकार स्थिर जैसा कि लगातार कहा जा रहा था। और इन सब के बीच बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। और आपको साथ ही ये भी बताएं कि इस सदन की कार्यवाही में 13 विधेयक आज ध्वनिमत से पारित किए गए। हालांकि कई बार ऐसी स्थिति बनी कि स्थगित करना पड़ा, 4 बार के लगभग आज भी, लेकिन फाइनली अब खबर यही कि अनिश्चितकाल के लिए जो कार्यवाही है वो स्थगित हुई है अनिश्चितकाल के लिए। आज 13 विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। और अगर आप इस पूरे वक्त को देखें तो इसमें कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई, कई घंटों तक चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई, हालांकि नोक झोंक भी देखने को मिली और इस दरमियान हमने कई महत्वपूर्ण बातें भी देखी, हंगामा भी हुआ। हालांकि आजकल सदन की कार्यवाही में हंगामा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है अनिश्चितकाल के लिए। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित अनिश्चितकाल के लिए, जो हालांकि सबसे बड़ा एजेंडा था वो जरूर पूरा हुआ है, जो बहुमत साबित करना था वो हुआ है। हालांकि उससे पहले ही तमाम स्थिति जो है राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ क्लियर हो चुका था। तो अब विधानसभा की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। आज 13 विधेयक ध्वनि मत से पारित किए गए हैं। तो देखना ये भी होता है, क्योंकि विधानसभा जहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे सामने होते हैं, सरोकार सामने होते हैं, ऐसा हुआ यहां पर भी। कई महत्वपूर्ण बातें जो जनता से संदर्भ रखती है सीधा सीधा वो यहां पर की गई। और अगर आप देखें तो कोरोना को लेकर ही कई घंटे की लंबी चर्चा की गई, जो चिकित्सा मंत्री थे उन्होंने भी इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी, कई आंकड़े उन्होंने सामने रखे और उन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान जो है वो इस लड़ाई में सबसे आगे है, जो विश्वव्यापी एक तरह से कोरोना से जंग चल रही है उसमें। लेकिन अब खबर यही कि विधानसभा की जो बैठक वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। आज 13 विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए हैं। तो बड़ी बात है ये, और देखना अब बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से आगे अब काम चलता है। देखिए, आपको याद होगा कि जब राजस्थान में तमाम सियासी उठापटक का दौर चल रहा था, उस वक्त ये जो सदन है उसको आउट करने की बात खुद मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री ने कई बार रिक्वेस्ट की, तब जाकर ये सत्र जो है वो आहूत हुआ। राज्यपाल से मुलाकातों का दौर चला। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि लगभग 4 से 5 घंटे जो सरकार और विधेयक जो है कांग्रेस के वो वहां पर मौजूद रहे राजभवन में, और उसके 1 से 2 दिन के बाद ही ये बात सामने आई कि अब विधानसभा के जो सत्र है वो होगा 14 अगस्त से, और 14 अगस्त को ही जो बहुमत है इसकी बात आ रही थी सामने वो भी साबित हुआ।